गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जैसे कविता करांगे, मैं पंजाबी कि लिखी है बेटा, फिरोज दी शव दी कविता कि लिखी है, फिरोज दी शव दी। नेम तो ही बेटा क्लियर है, मैं पंजाबी भाव की बेटा इस कविता दे विच कवि ने, पेज नंबर बेटा 28 ते है साहित्य माला बुक दे विच, इस कविता दे विच बेटा कवि ने पंजाब दे बारे, पंजाबी भाषा दे बारे दसिया है। क्यों कह रहे हैं कि उसनों पंजाबी भाषा नाल, पंजाबी बोली नाल ते पंजाबी सभ्याचार नाल बहुत ज्यादा प्यार है, मोह है। कवि अपने आप नूं पंजाबी होने ते माण महसूस कर रहा है अते पंजाबी भाषा नूं, पंजाबी बोली नूं पूरे देश विदेश अंदर मान दिवाना चाहता है, सत्कार दिवाना चाहता है। कवि इस कविता च कह रहा है कि जेड़े लोग पंजाबी बोलने नूं शर्म महसूस करते हैं, कि जेडे लोग पंजाबी नहीं बोलते, पंजाबी बोलने में शर्म महसूस करते हैं, कवि उन्हां दी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा। ते कह रहे हैं कि सानू पंजाब विच रह के पंजाबी भाषा बोलनी चाहिए है, ते उस दा सत्कार करना चाहिए है, ते सानू अपने पंजाबी सभ्याचार नू अपनाना चाहिए है, ते अपने पंजाबी सभ्याचार नू अते पंजाबी भाषा नू देश विदेश अंदर इज्जत मान दिवानी चाहिए है। बेटा कविता भी ध्यान ना सुनी, क्योंकि इस तो बाद बेटा असी मात भाषा वाला लेख भी करांगे, ऐसे भी करांगे, ठीक है। एदे विचो काफी लाइना, ठीक है, कोटेशन दे रूप दे विच असी ऐसे दे विच लिख सकते हैं, ठीक है, उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं पंजाबी कविता ध्यान ना सुनी, एदा केंद्री भाव आएगा, वन मार्क्स क्वेश्चन ते लॉन्ग क्वेश्चन, ते उस तो बाद ही बेटा असी दा ऐसे करांगे, लेख करांगे मात भाषा पंजाबी, ठीक है। तुसी मेन मेन पॉइंट नोट करने हैं। यस बेटा, हम रीडिंग करते हैं मैं पंजाबी कविता दी। यस, मैं पंजाबी स्क्रीन पे देखो बेटा, मैं पंजाबी पंजाब दा रहन वाला, मैं पंजाबी पंजाब दा रहन वाला, मैं किनू कह रहे हैं, कवि अपने आप नू कह रहे हैं, मैं शब्द भी आया है कवि ले, मैं पंजाबी पंजाब दा रहने वाला कवि की कह रहे हैं कि मैं पंजाबी हाँ ते पंजाब दा रहन वाला हाँ, मैं पंजाबी हाँ ते पंजाब दा रहन वाला हाँ, हाँ मैं पेंडू पर शहरी रंग दा हाँ। कवि की कह रहे हैं कि मैं असल विच की हाँ, पेंडू हाँ भाव की पिंड विच रहन वाला हाँ, पर शहरी ढंग दा हाँ, ठीक है, पर ऐनी मैं मेरा जो कि मेरा रहन सहन पिंडा वर्गा है नहीं। कवि कह रहे हैं कि चाहे मैं पेंडू हाँ पिंड विच रहन वाला हाँ, पर मेरा रहन सहन ढंग किदे वर्गा है, शहरा दे वर्गा है, जिस तरह शहरा दे लोग रहते हैं उसे तरह ही मैं रहा हाँ। नेक्स्ट है, समझा फारसी उर्दू भी खूब बोलदा हाँ। कवि की कह रहे हैं कि ओ जेड़ा की है फारसी नू जानदा है, समझदा है, उर्दू भी बोल लैंदा है, चाहे बेटा वो दूसरिया भाषावां दी भी उन्हूं जानकारी है, ठीक है, फारसी उर्दू, पर फिर भी वो पंजाबी है ते पंजाबी भाषा नाल प्यार करदा है। थोड़ी बहुती अंग्रेजी भी अंगदा हाँ, अंगदा का की मीनिंग है, जानदा, अंगदा का की मीनिंग है, जानदा, वन मार्क क्वेश्चन के बीच बेटा मीनिंग भी आ सकते हैं, अंगदा मतलब जानदा। कवि की कह रहे हैं मैं थोड़ी बहुती अंग्रेजी भी जानदा हाँ, बोली अपनी नाल प्यार रखा, मैनू अपनी बोली भाव की पंजाबी भाषा नाल बहुत ज्यादा प्यार है। इन्होंने लाइना विच कवि कह रही है कि सानू दूसरिया भाषावां भी सीखनिया चाहीदियां हन, पर अपनी मां बोली पंजाबी नू कदे भी भुलना नहीं चाहीदा, अपनी मां बोली पंजाबी दा सत्कार करना चाहीदा है ते प्यार करना चाहीदा है, ठीक है, चाहे असीं सानू दूसरिया भाषावां भी सीखो पर अपनी मां बोली नाल प्यार करो, उसका सत्कार करो। ते कवि अपनी मां बोली नाल बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये गल आखनो कदे ना संगदा हाँ, संगदा मतलब कदे भी संकोच नहीं करता, शर्म नहीं करता, क्योंकि वो इस गल नूं कहन तो कदे भी शर्म महसूस नहीं करता कि वो पंजाबी है, वो पंजाबी भाषा बोलता है।
जबकि साढ़े ठीक है पंजाब के ही कुछ लोग पंजाबी भाषा बोलने में शर्म महसूस करते हैं, संकोच करते हैं, दूसरियां भाषावां बोलते हैं। पर कवि की कह रहे हैं कि मैं पंजाबी भाषा बोलने में कदे भी संकोच नहीं करता, कदे भी शर्म नहीं करता। मोती किसे सुहागन दी नथ दा मैं, टुकड़ा किसे पंजाबन दी वंग दा मैं। ठीक है कवि इन दोनों लाइना दे विच बेटा इन दोनों सत्र दे विच पंजाबी सभ्याचार नूं संबोधन करता होया कहिंदा है कि मैं किसे सुहागन दी नथ, मतलब जो नक विच पै जांदा है, ठीक है मैं किसे सुहागन दी नथ दा की हां मोती हां, ते किसे पंजाबन दी वंग दा, ठीक है किसे पंजाबन दी वंग दा टुकड़ा हां। भां कि दोनों लाइना दे विच कवि पंजाबी सभ्याचार नूं संबोधन करता होया कह रहा है। नेक्स्ट है टुकड़ा किसे मिले पंजाब मिले मान पंजाबी नूं देश अंदर। कवि की कह रहा है कि कवि की इच्छा की है कि वह चाहता है कि पंजाबी बोली नूं पंजाबी भाषा नूं देश के अंदर मान मिले और सत्कार किया जाए पंजाबी बोली का जो साड़ी मात भाषा है। आशर मुंडो बुड्डो का की मीनिंग है शुरू तो ही, ठीक है मैं इस उमंग दा हाँ मेरी शुरू तो ही पंजाबी भाषा नाल बहुत ज्यादा प्यार है ते मेरी यही इच्छा है। उमंग मतलब इच्छा है कि पंजाबी भाषा नूं देश विदेश अंदर मान मिले सत्कार मिले। वारिस शाह ते बुल्ले दे रंग अंदर डोब डोब ही जिंदगी रंगदा हाँ। वारिस शाह ते बुल्ले शाह कौन होया बेटा, कवि होए है। वारिस शाह ते बुल्ले शाह कौन है, बहुत महान कवि होए है जिन्होंने बेटा बहुत सारिया जिन्होंने बहुत सारिया कवितावां लिखिया, बहुत सारिया रचनावां लिखिया केड़ी भाषा विच, पंजाबी भाषा दे विच। डोब डोब के जिंदगी रंगना हाँ, कवि कह रहे कि वारिस ते बुल्ले शाह ने बहुत सारिया जिहड़ियां की कवितावां लिखिया साहित लिखिया ते मैं भी अपनी जिंदगी नूं पंजाबी विच रंगना चाहुंदा हाँ। रवां इत्थे ते यूपी विच करां गल्लां, यूपी का मीनिंग की है भाव कि यूपी दे विच केड़ी भाषा बोली जांदी है, हिंदी। यूपी दे विच केड़ी भाषा बोली जांदी है, हिंदी। कवि की कह रहे हैं लोगों नूं कह रहे हैं कि रवां इत्थे कि भाव कि मैं इत्थे रह रहा वां पंजाब विच रह के ते यूपी दी हिंदी भाषा विच गल्लां करां जो कि बिल्कुल भी चंगी गल नहीं है। ठीक है भाव कि सानूं पंजाब दे विच रह के पंजाबी भाषा बोलनी चाहीदी है ना कि यूपी दी हिंदी भाषा। ऐसी अकल छक्के ते टंगदा हाँ, भाव कि जिहड़े लोग ये सोचते हैं कि हिंदी बोलना बड़ा माण है ते मैं अजिही अकल नूं की करदा वां छक्के ते टंगदा हाँ। मैं पंजाबी पंजाब दा शरव सेवक, कवि कह रहे कि मैं पंजाबी हाँ पंजाब दा शरव सेवक। शरव शब्द के लिए है कवि लिए, कवि का की नाम है फिरोजी शरव। कवि कह रहे हैं मैं भाव की मैं पंजाब दा की हाँ सेवादार हाँ, सेवक दा मीनिंग है सेवादार, सेवक दा की मीनिंग है सेवादार। कवि कह रहे कि मैं पंजाब दा की हाँ सेवादार हाँ, भाव की पंजाब दी सेवा करने वाला, सदा खैर पंजाब दी मंगदा, मेरी यही इच्छा है। ठीक है मैं हमेशा की करदा पंजाब दी पंजाब दे लई पंजाबियां दे लई दुआ मंगदा कि पंजाबी भाषा जिहड़ी की है पंजाबी भाषा नूं सत्कार मिले ते पंजाबी हमेशा ही जिहड़ा की है वसदे वसदे रहन, भाव की कवि पंजाब ते पंजाबियां लई सदा ही दुआ मंगदा रहिंदा है। क्लियर है बेटा, भाव की इस कविता दे विच कवि ने पंजाबी बोली का सत्कार किया है कि सानू भी पंजाबी भाषा बोलनी चाहिए है ते पंजाबी भाषा नूं सत्कार देना चाहिदा है। ठीक है कदे भी पंजाबी भाषा बोलन लग्या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, सगो अपनी भाषा नूं अपनी मात बोली नूं देश विदेश अंदर सत्कार दिवाना चाहिदा है। क्योंकि बेटा मात भाषा है साडी, जिहड़ी मात भाषा है पंजाबी, जो तुहानूं कोई भी सबजैक्ट चाहे एस एस टी ले लो चाहे साइंस ले लो कोई भी सबजैक्ट ले लो, ठीक है जिहड़ा सबजैक्ट तुहानूं मात भाषा दे, कई बार तुहानूं कोई गल नहीं समझ आती, ठीक है ना, कई बार तुहानूं एस एस टी का मैथ्स का या कोई क्वेश्चन नहीं समझाता, जो टीचर तुहानूं अपनी मात भाषा दे विच कोई एक्सप्लेन करता है उस मात भाषा भी समझाता है अच्छी तरह समझ आ जाता ना बेटा, होंदा ना इस तरह ही। ठीक है कई बार की होंगे तुहानूं कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता किसी भी सबजैक्ट का, तुम सोच के देखो तुहानूं वही क्वेश्चन किसी भाषा में समझ आएगा अपनी मात बोली भी समझ आएगा या तुसे अपनी फीलिंग, ठीक है
अपने हाव भाव, ठीक है, किसी नु जाहिर करनी हो, किसी नु दसना हो, तुसी उन्नी अच्छी तरह अपनी, ठीक है, बाकी भाषाओं विच नहीं दस सकते जिन्ना कि अपने हाव भाव नु, अपनी फीलिंग नु, अपनी मात बोली भी दस सकते हो, है ना, अपनी फीलिंग दूसरे नाल शेयर करनी है, कोई गल दूसरे तक अच्छी तरह किस तरह पहुंचा सकते हो, कि अपनी मात बोली विच ही, अपनी पंजाबी भाषा दे विच ही, कि पंजाबी भाषा की एक संचार का साधन है, ठीक है, अपनी गल दूसरे तक असी अच्छी तरीके ना किस तरह पहुंचा सकते हैं पंजाबी बोली दे राही। इसलिए बेटा सानू अपनी पंजाबी बोली ना प्यार करना चाहिए है, सत्कार करना चाहिए है, ते कदे भी पंजाबी भाषा नु बोलन लग्या जेड़ा कि ये शर्म महसूस नहीं करनी, जिदी ती रिस्पेक्ट ओदी करनी चाहिए, आप भी रिस्पेक्ट करो ते दूसरे नु भी, जे कोई उसका गलत प्रयोग करता है, ठीक है, उस नु भी जेड़ा कि कहो कि पंजाबी बोली दी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि ये वही बोली है जदों जिस नु सुन के असीं वड्डे होए आ, ठीक है, माँ जिहड़ी की है बच्चे नु लोरियां भी पंजाबी बोली भी सुनाती है, गुरुआ दी, ठीक है, गुरबाणी भी जिहड़ी की पंजाबी भाषा विच लिखी गई है, गुरुआ दी बोली भी है। इसलिए बेटा सानू अपनी पंजाबी भाषा का सत्कार करना चाहिए है, तो उसनु इज्जत देनी चाहिए, अपने देश विच नहीं बाहरले देशों के लोग भी साडी पंजाबी भाषा का इज्जत कर। क्लियर है बेटा? अगर किसी ने कोई कविता की कोई लाइन नहीं क्लियर, देन प्लीज बेटा रेज योर हैंड। यस बेटा, क्लियर है बेटा? यस, एनीवन क्लियर है? हम अपनी पंजाबी भाषा का बेटा सत्कार करोगे ना? यस बेटा, अच्छी तरह समझ आ गई ना बेटा? ठीक है, हम असी आही लाइन आप मात भाषा का ऐसे करना ना, इस तो बाद ले भी आप करा। ओके क्लियर है? यस वेरी गुड बेटा। हूँ बेटा असी दे वन मार्क्स क्वेश्चन ते लॉन्ग क्वेश्चन करा, ठीक है, तुम अच्छी तरह कविता समझ आ गई है, मैं वन मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड से लिखांगी, तुसी बेटा मैनू ओदे आंसर देने। ओके बेटा क्लियर है? यस, वन मार्क्स क्वेश्चन बेटा। यस यस बेटा, रेज योर हैंड, एक दो शब्दों वाले आंसर। यस वेरी गुड कुशान, अनम्यूट योर सेल्फ कुशान। फर्स्ट यस मैम, क्वेश्चन, मैं पंजाबी कविता दे कवि का नाम। मैं पंजाबी कविता फिरोजदीन सरफ ने लिखी है। यस वेरी गुड। यस जानवी जी। एंड सेकंड क्वेश्चन, कवि केड़िया केड़िया भाषावां नू जानता है। यस जानवी। कभी मात भाषा तो इलावा उर्दू फारसी ते अंग्रेजी भाषावां नू जानता है। यस वेरी गुड। उर्दू फारसी ते थोड़ी बहुत अंग्रेजी भाषा नू जानता है। गुड वेरी गुड। यस जिया बेटा, जिया 28। यस मैम, नेक्स्ट कवि क्वेश्चन। पंजाबी भाषा नू देश विदेश अंदर मान दिवाना चाहता है। हाँ वेरी गुड। कवि केड़ी भाषा नू मान दिवाना चाहता है? पंजाबी भाषा नू। गुड बेटा। यस नेक्स्ट अंशिया। यस फिफ्थ क्वेश्चन, मैं पंजाबी कविता विच केड़े केड़े कवियां दी गल कीती गई है। यस बेटा अंशिया। मैं पंजाबी कविता विच कवि वारिस शाह ते बुल्ले दी गल कीती गई है। यस वारिस ते बुल्ले शाह दी गल कीती गई। गुड नेक्स्ट गुरपाल। यस बेटा गुरपाल। यस मैम। नेक्स्ट सिक्स, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, मैं पंजाबी कविता अनुसार कवि केड़ी बोली नहीं जानता। यस एनी अदर स्टूडेंट? यस जिया जी एंड जानवी जिया। यस जिया बेटा। मैम यूपी की भाषा। नो, संस्कृत, संस्कृत भाषा, ठीक है, केड़ी भाषा आई थे? संस्कृत भाषा। हाँ यस, ठीक है, केड़ा आंसर है ना? संस्कृत। नोट कर लो बेटा सारे बच्चे, केड़ी भाषा नहीं जानता? संस्कृत, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन तुम एमसीक्यूज दे विच भी आ सकते हैं, ठीक है, फोर फोर ऑप्शन दे के एमसीक्यूज दे रूप विच। ओके यस ईशानी, ईशानी बेटा। यस नेक्स्ट, कवि किस नू किस दी नत दा मोती दे वांग दा टुकड़ा कहंदा है। कवि अपने आप नू किसे सुहाग नथ दा मोती ते वंग दा टुकड़ा कहंदा है। वेरी गुड, सुहागन, ठीक है, स्वामी सुहागन वाली नागे, ठीक है, नाने ना सुहागन। गुड नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन। यस बेटा तनवीन, तनवीन लास्ट, कवि पेंडू होने के बावजूद किस रंग ढंग या किस तरीके नाल रहंदा है। कवि पेंडू होने के बावजूद शहरी ढंग नाल रहंदा है। हां वेरी गुड, केड़े ढंग नाल रहंदा है? शहरी ढंग ना रहिंदा है। क्लियर है बेटा सारे नु वन मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, तुसी अपनी फेवरेट नोटबुक ते भी कर लेने हैं, ठीक है, इस तो अलावा
ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ। ਯੈਸ ਗੁਡ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆ ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਸਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਯੈਸ, ਕੌਣ ਸੁਣਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ? ਯੈਸ, ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਗੁੱਡ। ਯੈਸ, ਐਨੀ ਅਦਰ? ਯੈਸ, ਜਾਨਵੀ, ਜਾਨਵੀ ਬੇਟਾ, ਯੈਸ ਜਾਨਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥ ਦਾ ਮੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਵੰਗ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਤਨਵੀਨ, ਯੈਸ ਤਨਵੀਨ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥ ਦਾ ਮੋਤੀ ਅਤੇ
ਵੰਗ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਕਵਿਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾ ਕਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਥਨ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਰੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਮਾਣ ਮਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਲੋਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆ ਜਾਵੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਯੈਸ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਯੈਸ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਸ ਆਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਯੈਸ ਗੁਲਸ਼ਾਨ ਬੇਟਾ ਗੁਲਸ਼ਾਨ ਗੁਲਸ਼ਾਨ ਯੈਸ ਮੈਮ ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਯੈਸ ਕਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਸੁਹਾਗਨ ਦੀ ਸੁਹਾਗਨ ਦੀ ਮੋਤੀ ਦੇ ਨੱਚਦਾ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਵੰਗ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਵੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਨ ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਓਕੇ ਵਨ ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਐਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕੱਲ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਬੇਟਾ